अकबर। खबर सूरत से है, जहां शहर में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बता दें कि सूरत के घनिष्ठ इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जिसकी जानकारी पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर के द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। फिलहाल देखना यह है कि कितने हद तक अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे सही साबित होते हैं। सूरत शहर भारत और विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। आज जब सूरत की कुल जनसंख्या 80 लाख से भी अधिक हो चुकी है, ऐसे में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति को, असामाजिक प्रवृत्ति को कंट्रोल करने में पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्व की एक ख़ास बात रहती है। सेफ सिटी सूरत के तहत 2012-13 से शुरू करके 700 के लगभग कैमराज हमारे पास उपलब्ध थे, जिसका फीड हमारे पास कंट्रोल रूम में आता था। लेकिन शहर के काफ़ी रोड, काफ़ी अंदर के विस्तार इस तरह के थे जहां सीसीटीवी की फुटेज हमारे पास नहीं मिल पाती थी। ऐसे में लोक भागीदारी के रूप में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी मार्केट विस्तार हैं, हीरा मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट है, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ सभी लोगों के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के भाग के रूप में संकलन किया गया और उस संकलन के आधार पर नए कैमराज पूरे सूरत शहर के नए विस्तारों में लगाए गए। इस ड्राइव के तहत कुल 15,920 कैमरा नए लगाए दिए जा चुके हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इन सभी कैमराज को सीसीटीवी लोकेशन ऐप, जो सूरत शहर पुलिस की है, उसके साथ जोड़ दिया गया है, जिससे कि किसी भी एरिया में यदि कुछ भी आपराधिक घटना घटती है तो हमें पता रहता है कि इस एरिया में कौन से सीसीटीवी कैमराज हैं, जिनकी मदद और जिनकी फुटेज पुलिस को मिल जाती है। इसके अलावा 1398 कैमरा और लगाने का काम अभी चल रहा है, तो इन नए कैमराज के लगने से पूरे शहर को कवर करने में बहुत बड़ी मदद पुलिस को मिलेगी और पुलिस शहर को ज़्यादा शांत और सलामत रखने में सफल होगी। इसके साथ साथ पुलिस की अपराधियों को कंट्रोल में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हमारे पास होता है, हिस्ट्री शीट। क्या नाम है आपका? जनपद इटावा के थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आने वाले गांव बूटन सखरौली का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के हैबानियत देखने को मिली है। आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस पर रिश्वत और मारपीट का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? सीता देवी। आज धरना देने आए हैं, क्या मामला? घर पे पुलिस वालों ने, हमारे पुलिस वाले पहले पैसे लेते थे, चौकी वाले पैसे लेके गाड़ी चलवाते थे। चौकी है सिविल लाइन चौकी पूटन सकरौली, सिविल लाइन थाना हमारा। और फिर कल हमारी बरसों भाई मल्ले लड़ाई, और फिर कल हमारी 6 गेट तोड़े और 3 बक्सा तोड़ा, टीवी फ्रिज कूलर सब तोड़ दिए हमारे, और 6 जोड़ी किवारन की वे हमारी सब तोड़ गई, और हमारी भैंस हती काजी पुलिस वालों ने धक्का मारा, टंडे मारे, वो बच्चा फेंक गई हमारा। अब हम क्या करें, घर में मेरे भी उन्हें कुछ ले रखा मेरे, अब किस वजह हमारा जग गैर अन्याय होगा, हमें उसकी न्याय मिलने चाहिए। होगी जी, मुझे न्याय दे। होगी जी, मुझे न्याय। आखिर मामला क्या था जो पुलिस ने ऐसा तांडव किया आपके यहाँ? सच्चाई क्या है? गाड़ी आती हमारी आ रही थी घर पे, दरोगा 10,000 रुपए ले लेता, तो लला हमारा मट्टी ले आया था भरा एक काजी घर के काजी घर के लिए एक ट्राली घर के लिए ले आया था। दरोगा जी पीछे चले आए, हमने कही कि देखो दरोगा जी मान जाओ, तुम पैसे लेते हो तो पैसे फिर ले लेना, अकेले अबे छोड़ दो, हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमने पैसे नहीं दे पाए। दरोगा जी बोला है हम नहीं मानेंगे, कैसे उन्हें मानेंगे, हम गाड़ी भी ले जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरे लड़के ने
हमारी गाड़ी हटा दी, उस लड़के की गाड़ी उठा ले गई भी हमारे बदले से, दूसरे की गाड़ी ले गई, फिर मेरी एक मोटरसाइकिल ले गए और वो दूसरे लड़के की उसकी भी मोटरसाइकिल ले गई, एक ट्रैक्टर ले गए और हमारे आदमी को भी पकड़ ले, मजूरी कर रहा था, मजूरी करते वही वहीं से पकड़ ले गए। खबर महोबा से है, जहां गुलाबी गैंग महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष सुमन सिंह चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांगों में सर्वप्रथम महिलाओं की सुरक्षा हेतु तो पुलिस का रवैया सही न होना बताया गया। उनका कहना है कि पुलिस की महिलाओं के मामलों के प्रति और गरीब जनता के प्रति अपनी कार्यशैली को सही करे, साथ ही कोई भी पीड़ित महिला या गरीब जनता थाने जाए जो तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करे और तुरंत रिपोर्ट दर्ज करे। मेरा नाम है सुमन सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाबी गैंग क्रांति। आज 11 मुद्दे थे मेरे, उसमें जो है आवास के लिए, गरीब आवासों के लिए, पानी की समस्या, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की सुनाई नहीं होती थानों में, और पुलिस प्रशासन जो अपनी कार्यशैली बदले, सच्ची ईमानदारी से काम करें, और सारे मुद्दे जो है डीएम साहब मुख्यमंत्री के थ्रू मैंने दिया है सारा सब कुछ 11 मुद्दे में। कौन सा मुद्दा है जो आप प्रथम तौर पर आप कराना चाहते हैं? सबसे मेन मुद्दा यही है कि पुलिस प्रशासन जो है गरीब जनता की सुनता नहीं, हर थानों में उनका शोषण होता है। ये मुख्यमंत्री जी को मैंने पहला मुद्दा लिख के दिया है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्यशैली बदले, और उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, हर काम पुलिस प्रशासन करवा सकती है, लेकिन जो है गरीब लोग वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ परेशान घूमते रहे। महिलाओं के लिए भी अच्छी का आए दिन उनका शोषण होता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, लोग परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री जी चिल्ला। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां थाना अध्यक्ष कौशल किशोर और उप निरीक्षक लोकेश सिंह राणा में पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल मार्च करते हुए नजर आए। बता दें कि विभिन्न स्थानों पर पूछताछ करते हुए थाना क्षेत्र के जनता के अमन चैन से रहने की मुहिम के तहत अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए लगातार पैदल मार्च जारी है। साथ ही उनका उद्देश्य कस्बा उचालिया थाना क्षेत्र की जनता को भयमुक्त कराना है। वहीं जनता भी थाना अध्यक्ष कौशल किशोर के कुशल शासन की प्रशंसा कर रही है और अपराधी थाना क्षेत्र को छोड़कर पलायन हो रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि डकोर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। वहीं परिजनों ने युवक के ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया, साथ ही डकोर थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। मामले में ASP ने परिजनों को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये डकोर का मामला था, जिस सिलसिले में ये महिलाएं आई थी, एक युवक ने फांसी लगा ली थी, जिसका पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई, जो विधिक कार्रवाई थी, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग आया है। तो ये महिलाएं अभी आई थी, ये इसको मर्डर कहना चाह रही थी, उनकी शिकायत थी कि उसका मर्डर हुआ, जबकि पोस्टमार्टम में हैंगिंग आया। फिर भी जो उनकी शिकायत है उसको संज्ञान में लेते हुए इंस्पेक्टर डकोर को बताया गया कि इसमें गहनता से और जांच कर लें, PM करने वाले डॉक्टर्स के भी बयान ले लें, और बाकी जो ये बयान देना चाहते हैं उसको भी ले लें, और साथ संकलन की कार्रवाई करें। तो उसके बाद जो सत्यता निकलती है उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वो जो युवक है उसकी पत्नी पे, युवक की सास पे और ससुर पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मारा पत्नी सास। खबरदार से है, जहां इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें बाइक सवार पेट्रोल पंप से डीजल लेकर अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी ढाबे के समीप तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं हादसे में 4 पहिया वाहन भी टक्कर के बाद रोड किनारे खेत में जा कर पलट गया। वहीं हाईवे पर हुए हादसे की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजन दोनों युवकों के शवों को लेकर धार जिला अस्पताल पहुंचे। सूचना पर अमझेरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त करते हुए पंचनामा बनाया।
खबर आगरा से है, जहां मोती कटरा खिड़की कालिखा क्षेत्र में दबंग मोहित ने एक युवक को मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों में आपस में विवाद हो गया। आपको बता दें कि दबंग मोहित के परिवार वाले पीड़ित के घर में जबरदस्ती घुसाए और कुल्लू की मां और बहन के साथ मारपीट की, साथ ही घर में तोड़फोड़ भी की। वहीं पीड़ित की मां को काफी गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीड़ित और उसकी मां ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? ये कब झगड़ा हुआ है आपका? क्या क्या कर रहा था? बच्चे के गाड़ी ठोक दी थी उसके लड़के ने, तो लड़का गाड़ी फेंक के मेरा लड़का मुझसे कह रहा था, मम्मी देखो उसने मेरा गाड़ी मार दी है, तो कह रहा तेरी बहन की इधर निकल के आ, तो अपने बाप को अपनी माँ को और तीनों चाचियों को लेकर। क्या नाम है इनके? एक वो है, हाँ नाम है उनकी बबन के। बेटा अजय 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 बसंत का लड़के का नाम क्या है? चलो ये किस जगह का मामला है, आप कहाँ रहते हो? मोती कटरा पुलिस चौकी। हाँ तो उसकी FIR आपने करा दी? नहीं कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? खाली मीनू को ही पकड़ा और किसी को नहीं पकड़ा। सर में टांगे आए हैं आपके? टांगे हैं, वो काफी चोट है। क्या चीज मारी थी सर में? पहले लठिया मारी है, फिर नीट मारी है साबित। अच्छा, पहले लठिया मारी थी। तो अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने क्या बताया, डॉक्टर ने अब जांच ही जांच कह रही है, कल से जांच ही जांच चल रही है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है कल से अब तक? बस वो उसी को पकड़ा है कल से, फिर तो कोई नहीं। किसको पकड़ा है? मीनू को। ठीक, झगड़ा हुआ था शाम को 7 बजे। किस जगह की बात है ये? जोर तो बोलो। किस कारण को लेकर झगड़ा हुआ, किन किन के बीच में? बाजार से सामान लेने गया था, मीनू का लड़का बाइक पर था, वो पीछे से आया, उसने बाइक पीछे से आकर उसने टक्कर मारी, दोनों में खमासा भी हो गई। इतने में ये घर में आया, मम्मी से बात करने, मम्मी इस लड़के से बाइक पहुँची है, तो फिर इतने में तो फिर पूरा घर और वो लड़का जमा कर दिया, गाने लगा कर घर में बताया। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हाँ की है। किस किस को पकड़ा? अभी और कोई नहीं पकड़ा। खबर जनपद जालौन से है, जहां जालौन के विभिन्न स्थानों पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बता दें पहले प्रकरण में जनपद के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां देर शाम एक ढाबे में अज्ञात कारणों से आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरे प्रकरण में जनपद के करौदा थाना क्षेत्र में एक गांव में सास बहू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्साई बहू ने अपने ही घर में आग लगा दी और गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। जनपद जालौन में दो अलग अलग स्थानों पर देर शाम और देर रात आगजनी की पकड़ सामने आए हैं। एक पकड़ सामने आया है जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र से, जहां पर एक ढाबे में अचानक से अज्ञात कारणों से आग लग गई है। सूत्रों के मुताबिक वहां पर किसी ने सिगरेट जलती हुई छोड़ दी है और इससे जो है ढाबे में आग लगी है। ढाबे का पूरा सामान जलकर, खाद्य सामग्री थी या जो अन्य सामान था वो जलकर खाक हो गया है। तो दूसरा पकड़ कदौरा क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ पर सास और बहू के बीच हुई लड़ाई का खामियाजा घर को भुगतना पड़ा, यानी कि सास और बहू के बीच हुई लड़ाई में बहू ने गुस्से में आकर पूरे घर में आग लगा दी और घर में रखा हुआ सामान जल। खबर मथुरा से, जहां पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होने के कारण पीड़ित ने SSP कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई, जहां मीडिया को जानकारी देते हुए उसने बताया कि गांव का रहने वाला एक युवक लात गुस्से और धारदार हथियार के साथ मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद में जिसकी रिपोर्ट थाना नौझील में दर्ज कराई। साथ ही पीड़िता ने बताया कि गोपाल अवैध हथियार लेकर रास्ते में मिला और FIR वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस बात की जानकारी थाना नौझील में दी, परंतु पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित ने SSP कार्यालय आकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? सतीश चंद शर्मा। नाम बोलो। क्या मामला? मामले साल में चरीले ने गया था, चरीले की जैसे बात बता तो उसको बुलाया, तो बुलाते ही इसने उससे बोला कहा भाई क्या बात होता, तो बोलते बोलते चाकू और पंचों से फूल कर दिया मामला। हाँ मारपीट किसके द्वारा मारपीट की गई? एक लड़का था मतलब उर्फ कालू उर्फ गोपाल और एक था वो अनूप और सोनभ ओमी वाले। तो पहले में 4-5 मिनट पुलिस नहीं थी गई,
हम जैसे हमारे थाने से आए तो हमको धमकी दी गई, तो धमकी दी गई तो फिर हम दोबारा गए 100 नंबर पर बोल के 100 नंबर पुलिस आ गई, तो 100 नंबर पुलिस आके हमको ले। खबर मथुरा से, जहां भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम में उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। आपको बता दें कि इस मौसम में बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए जिले में 7 जून से प्रारंभ हुआ सघन दस्त नियंत्रण अभियान आगामी 22 जून तक चलेगा, जिसमें गोवर्धन, राधाकुंड, अडेग, सौख, कोतरा आदि जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आशा द्वारा ORS और जिंक वितरण कर अभियान को गति दी जाएगी। वही भीषण गर्मी में बच्चों को दस्त से बचाने के लिए विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्या है और क्या कुछ कहोगे इसके लिए? आज ये IDCF प्रोग्राम है, इसमें सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा है। ये प्रोग्राम आज 7 जून से 22 जून तक चलेगा। इसमें हम दस्त नियंत्रण, ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें आज हमारी सभी सब सेंटर पर अड़िंग, कोथरा, मेहरोली, बचगांव सभी में हमारे यहाँ जनमानस द्वारा उद्घाटन कराया गया है। और हम जो बच्चे दस्त से पीड़ित हैं उनको जिंक ORS की दिया जाएगा, जो हमारे सभी उपकेंद्र पर अवेलेबल है। और अगर किसी को परेशानी होती है उसको 108 एम्बुलेंस द्वारा CHC गोवर्धन पर लाया जाएगा।